बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शोहर पर बीवी के हुकूक और बीवी पर शोहर के हुकूक से मुतालिक यही वीडियो हमारे चैनल पर अभी डाली जा रही हैं, जिसमें अब से पहले 4 वीडियो आपके सामने आ चुकी हैं जो कि 4 एपिसोड में आई हैं। पहले 3 एपिसोड में हमने आपको शोहर पर बीवी के 15 हुकूक के बारे में बताया था, जो कि 3 एपिसोड में अपलोड किया गया है। अब बीवी पर शोहर के 14 हुकूक के बारे में तस्करा चल रहा है। बीवी पर शोहर के 14 हुकूक में से 7 हुकूक हम इससे पहले वाले एपिसोड में आपको बता चुके हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बीवी पर शोहर के 14 हुकूक में से जो आगे के 7 हुकूक हैं, वो आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8वें हुकूक के बारे में, जो कि बीवी पर शोहर का है। और वो ये है कि बीवी उस शख्स को शोहर की इजाज़त के बगैर घर में आने की इजाज़त ना दे जिसका आना शोहर को पसंद ना हो। अक्सर घरों में होता यह है कि औरत उन लोगों को भी बुला लेती है जिनका शोहर को आना पसंद नहीं होता। शोहर की मर्जी उनको घर में बुलाने की नहीं होती, जैसे कि मोहल्ले की कुछ औरतें इस तरह की होती हैं कि जिनका घर में आना शोहर को पसंद नहीं होता। तो इस तरह की औरतों को बीवी शोहर की इजाज़त के बगैर घर में ना बुलाए। और अगर ना महरम मर्द हजरात हों तो उनका तो शोहर की इजाज़त के बगैर घर में आना जायज़ है ही नहीं, क्योंकि ना महरम मर्दों से औरतों के लिए पर्दा करना ज़रूरी है। ना महरम मर्द उन लोगों को कहते हैं जिनसे निकाह करना जायज़ हो। जाहिर है, जिनसे निकाह करना जायज़ होता है उनसे पर्दा करना भी ज़रूरी होता है। तो ना महरम मर्दों को तो औरत अपने घर में बुला ही नहीं सकती। नवा हक बीवी पर शोहर का ये है कि बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर को हराम कमाई से बचने के बारे में बोलती रहे और हलाल कमाई के बारे में उससे कहती रहे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मर्द बेचारा ज़्यादा कमाने के चक्कर में हराम और हलाल की कोई परवाह नहीं करता। इसलिए बीवी अपने शोहर को हराम कमाई से बचने के बारे में और हलाल कमाई के कमाने के बारे में बोलती रहे, ताकि शोहर हराम कमाई की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। 10वां हक बीवी पर शोहर का ये है कि अगर शोहर देखने भालने में अच्छा ना हो या फिर शोहर गरीब हो, तो बीवी शोहर के खूबसूरत ना होने की वजह से या फिर गरीब होने की वजह से अपने शोहर को जलील और कमतर ना समझे। कुछ औरतों में यह आदत बहुत ज़्यादा बुरी होती है कि वो शोहर को नज़र में नहीं लाती, उसे ठीक से बात नहीं करती, उसे उल्टे सीधे जवाब देती है। इस तरह नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ने उसे आपके नसीब में लिखा है, अल्लाह ने उसमें कोई ना कोई भलाई तो देखी ही होगी जिसकी वजह से उसने आपका उसको लाइफ पार्टनर बनाया। अगर आप अपने शोहर की सूरत की वजह से उसको जलील समझती हैं तो फिर आप अल्लाह की बनाई हुई चीज़ यानी अपने शोहर के चेहरे में कमी निकाल रही हैं, जो कि अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसको अल्लाह की नेमत समझकर उसकी कदर कीजिए, उसकी खिदमत कीजिए। इसी तरह कुछ औरतें अगर शोहर गरीब हो, कमज़ोर हालत वाला हो, तो वो बात बात पर उसको ताना देती हैं। याद रखिए, किसी की कमज़ोरी और गरीबी पर उसको ताना देना, उसको चिढ़ाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर शोहर के हालात कुछ कमज़ोर हैं, आप थोड़े पर ही गुजारा कर लीजिए और उसको अल्लाह की आजमाइश और अपना नसीब समझकर गुजारा कर लीजिए। अल्लाह पाक आखिरत में इंशाल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा बदला देंगे। 11वां हक जो बीवी पर शोहर का है वो ये है कि बीवी अपने शोहर की सारी ज़रूरतें पूरी करे, यहाँ तक कि शोहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़े भी ना रखे। अगर नफली रोज़े रखने हों तो पहले शोहर से इजाज़त ले लें। अगर शोहर इजाज़त दे दे तो नफली रोज़े रख लें, क्योंकि अगर बीवी शोहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़े रखेगी तो हो सकता है कि शोहर को इससे तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि शोहर का दिल बीवी से हम बिस्तरी करने का होता है, पर जब बीवी का रोज़ा होगा तो शोहर उससे हम बिस्तरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर वो उससे हम बिस्तरी करेगा तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा, जिसकी वजह से शोहर को भी गुनाह मिलेगा और उसके साथ साथ बीवी को भी। तो क्योंकि नफली रोज़े रखने की वजह से वो हम बिस्तरी नहीं कर पाएगा,
तो इसको तकलीफ होगी। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्ह नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद नकल फरमाते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए हलाल नहीं कि वो अपने शोहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़े रखे। हाँ, अगर शोहर मौजूद ना हो, कहीं बाहर गया हो और वो शाम तक इफ्तार से पहले पहले घर नहीं लौट पाएगा, तो फिर बीवी शोहर से इजाज़त लिए बगैर भी नफली रोज़े रख सकती है। पर शोहर को भी यही चाहिए कि बिला वजह बीवी को नफली रोज़े रखने से मना ना करे। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने शोहर का कहना मानने को तमाम नफली इबादतों से ज़्यादा सवाब की चीज़ बताया है। लिहाजा जो सवाब औरत को शोहर का कहना मानने में मिलता है, वो सवाब नफली इबादतों को करने में नहीं मिलता। इसलिए अगर शोहर नफली रोज़े को रखने से मना करे तो बीवी ये ना सोचे कि मैं रोज़े के सवाब से महरूम हो गई, बल्कि उसको शोहर का कहना मानने पर नफली रोज़े से ज़्यादा सवाब मिलेगा। बारवाहक बीवी पर शोहर का ये है, अगर शोहर के अंदर कोई ऐब हो तो बीवी उस ऐब को दूसरों को ना बताए, उसके ऐब को लोगों से छुपाए। हदीस में आता है कि जो शख्स दुनिया में किसी के ऐबों को छुपाएगा तो कयामत के दिन अल्लाह पाक उसके ऐबों को लोगों से छुपाएंगे। इसलिए अगर शोहर के अंदर कोई ऐब हो तो बीवी को चाहिए कि वो उस ऐब को लोगों के सामने ना खोले, जिसकी वजह से शोहर की इज्जत लोगों की निगाह में कम हो जाए, बल्कि शोहर के ऐब को छुपाए। तेरहवां हक जो कि बीवी पर शोहर का है वो ये है कि अगर घर का कोई मामला हो तो शोहर ही उसके बारे में फैसला करेगा। बीवी अपनी नहीं चलाएगी, शोहर की बात मानी जाएगी, बीवी अपनी राय दे, अपना मशवरा दे, और शोहर भी इस बात का खास ख्याल रखे कि वो ऐसा फैसला करें जिसमें उसकी बीवी की भी खुशी शामिल हो। लेकिन घरेलू मामलों में फैसला शोहर का ही माना जाएगा, बीवी का फैसला नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर शोहर का फैसला ऐसा हो कि उसमें बिल्कुल साफ साफ नुकसान दिखाई दे रहा हो जबकि औरत की राय बिल्कुल ठीक हो, तो फिर बीवी की बात मानी जाएगी और शोहर को समझाया जाएगा ताकि गलत फैसला लेने की वजह से आगे पछताना ना पड़े और शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। लेकिन आम तौर पर शोहर का फैसला घरेलू मामलों में गलत नहीं होता और ना ही कोई शरीफ औरत अपने घर का बुरा चाहती है। लेकिन अगर कोई घरेलू मामला हो तो फैसला शोहर का ही माना जाएगा। चौदहवां हक जो कि बीवी पर शोहर का है वो ये है कि अगर शोहर के अंदर इस्लाम के खिलाफ कोई चीज़ देखे तो अदब के साथ शोहर को मना करे। बीवी ये देख रही है कि शोहर नमाज नहीं पढ़ता, शोहर झूठ बोलने का आदी है या इसके अलावा कोई ऐसा गुनाह करता है, तो बीवी की जिम्मेदारी बनती है कि वो शोहर को उस गुनाह से अदब के साथ रुकने को कहे। तो नाज़रीन, ये थे बीवी पर शोहर के 14 हुकूक जो कि इस वीडियो में आपको 7 हुकूक के बारे में बताया गया है और इससे पहले वाले वीडियो में 7 हुकूक के बारे में बताया गया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करें। चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।